थैंक्स, बट तुम मुझे यहाँ फेस्टिवल शुरू होने से एक दिन पहले क्यों लेकर आए? तुम इस थिएटर फेस्टिवल के लिए ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी, तो सोचा एक दिन पहले आके एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी फील अब्सॉर्ब कर ली जाए। लुक दक्ष, आई नो तुम हमारे बीच में जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ खाली हॉल में एक दिन पहले ही ला के बैठा दोगे। इट्स वियर्ड, राइट? तुम ही तो कहती हो कि पहले तो हमें एक दूसरे का साथ भी बहुत अच्छा लगता था, हम घंटों फ़ोन पे बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते थे, तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अप्रिशिएट द साइलेंस अगेन। या फिर शायद तुम मेरी बातें सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ को महसूस करें। ऑल राइट, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है। यार क्या फील है, नहीं क्या माहौल, क्या क्राउड होगा ना कल यहाँ। कल हम तीनों यहीं बैठे होंगे और सामने स्टेज पे कोई कलाकार अपनी स्क्रिप्ट से धागों से जुड़ा कोई किस्सा हमें सुना रहा होगा। काश कल अभी आ जाए, या फिर हम खुद ही अपने कल से मिलाएं। आने वाला वक्त एक प्रश्न पूछता है, क्यों साले तू मुझे जानने की होड़ में खुद ही से जूझता है। है क्या कोई ठिकाना ऐसा, मिलता खुद ही से ये जागता इंसान कहाँ है, कौन पता दे के जाए वहां का। क्या सच में ऐसा कोई मुकम्मल जहां है। यहाँ इतने सारे बूथ खाली हैं, तुम्हें यहीं क्यों बैठना है? यहाँ और भी तो कितने सारे कैफेज हैं, ऑल द प्लेसेस, तुम भी तो यहीं आए। यू डूइंग गुड इन लाइफ, एक अच्छे कॉलेज में हो, यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स, लेटली तुमने लोगों से डिटैच होना भी शुरू कर दिया है। डू आई नो यू? वैसे भी काफी फेमिलियर से लग रहे हो। नाइस गर्ल बाय द वे, प्रज्ञा, मिस करोगे तुम उसे कभी कभी, दो यू विल कन्विंस योरसेल्फ कि उसके छोड़ के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाट द फक, आप हैं कौन, और रैदर ये सब बोलने वाले आप होते कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमें किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से। क्विट फेकिंग इट दक्ष, द मोमेंट मैं यहाँ आके बैठा था तुम जान गए थे मैं कौन हूँ। ये बहुत ही बकवास है। ऑलराइट, आई हैव हैड एनफ। क्या तुम सच में उठ के जाना चाहते हो? क्या तुम सच में कुछ नहीं जानना चाहते? आई केम ऑल द वे टू मीट यू, यू माइट वांट टू सिट डाउन अगेन। आने वाले 10 सालों में क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब है मेरे पास। आई एम द की। दिस इज कैफे यू, आई एम यू। यहां लोग खुद से मिलने आते हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? क्योंकि तुम जानते हो ये सब सच है, तुम मानना चाहते हो ये सबको। आफ्टर ऑल I know you quite literally. I know what goes on in there, in that head. तुम बहुत desperate थे ना मुझसे मिलने के लिए? In fact, तुम क्या? सभी हैं। तो, here I am. क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब,
क्या 10 साल बाद मैं अच्छा हूँ? हाँ सब ठीक ही है, जो कुछ हम चाहते थे वो सब है ही हमारे पास, except for सनी लियोनी of course. Amazing. मेरी आधी टेंशन तो यहीं खत्म हो गई. नहीं यार, कुछ कमी है, लेकिन खाली है हम अंदर से. तू बहुत कुछ और अचीव कर सकता था यार, तुझे बहुत कुछ अलग करना चाहिए था. जैसे कि इन दोस्तियों में मत पड़ियो, ये लड़कियों के चक्करों में मत लगियो, खासकर अपने आप को कन्विंस करने में इतना टाइम मत वेस्ट करियो यार. डोंट वरी, आई विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड. वैसे कैन आई कम हियर एंड सी यू अगेन? आई डाउट, यहाँ तुम्हें मैं ही मिलूंगा या किसी और वक्त के हम, ये तो कहना मुश्किल है. ऑल द बेस्ट सैम, आई होप मुझसे मिलने के बाद यू मेक आवर लाइफ बेटर. क्या मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो. वो तुमने मेरा और प्रज्ञा का जो होगा, क्या वो सच है? ऑल द बेस्ट ब्रो. जिएगा या मरेगा, अतीत वर्तमान या फिर अपने दिल की सुनेगा, खुद ही से तूने कुछ कहा, क्या वो तू ही है या फिर तूने वही सुना जो तू सुनना चाहता था? कोई ऐसी जगह सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई के करीब होने का तुझे भी कौन सा सुरूर है? क्यों तू फंस रहा है? नहीं नहीं, तू तो एकदम सही कर रहा है. अपनी जिंदगी किसके कहने पे बदल रहा है? खुद का कहा ही तो तू सुन रहा है. लगता तो वो बिल्कुल तेरे जैसा ही था, आगे जाके शायद तू भी कुछ वैसा ही दिखेगा. दिखना तो ठीक है, मगर क्या तू वही होगा? अपने सफर को चाहे तो तू बेहतर बनाएगा, या फिर बेहतर ना भी हो तो फिर कम से कम उसी वक्त में तो तू अपने दिल की तो सुन पाएगा. फिर किसी मंच पे यूं ही किससे सुनाते मिलूंगा, चेहरा कोई और होगा मगर रूह की आवाज मैं तेरी ही रहूंगा. What the hell? दक्ष, मैं अतीत से किससे बात करने की ट्राई कर रही हूँ? Appreciating silence. तुम मेरी बात कभी सुनना नहीं चाहते थे. मैं जा रही हूँ. Bye. प्रज्ञा, प्रज्ञा सुनो, प्रज्ञा. Nice girl by the way. प्रज्ञा. Miss करोगे तुम उसे कभी कभी. You seriously needed to go to the washroom that bad? यहाँ किसके लिए आया हूँ यार? तेरे एक साल बाद से यहाँ तुझे मूतते हुए देखने के लिए आया हूँ क्या? I'm sorry. Actually, काफी कुछ चल रहा है. परेशान हूँ थोड़ा. काफी कुछ चल रहा है. परेशान हूँ थोड़ा. बहनचोद, तुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है? परेशानी क्या होती है? ये तुझे एक साल बाद पता चलेगा. तुमने तो सुन ली ना फ्यूचर की, और हमारी मरवा दी. लेकिन मैंने उसी की तो सुनी थी. हमारी क्या क्या भाई? तुझे तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तूने टेक्निकली एक ऐसे आदमी की सुनी हु डजंट इवन एग्जिस्ट. डजंट इवन एग्जिस्ट? डज दैट मीन कैफे यू इज अ लाय? कैफे यू लाय है या नहीं ये तुझे डिसाइड करना. बट यस, फ्रॉम द मोमेंट जब तूने उस आदमी की बात सुनकर अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी, ही डाइड, ही वुड नो लॉन्गर बिकम, क्योंकि तू बदल जाएगा यार. हमारा होना
या ना होना तेरे हाथ में है। पर वो जो बोल रहा था उससे हमारी लाइफ बेटर ही तो होगी। सो व्हाट? और तुझे कैसे पता बेटर होगी? वो तो उसे भी नहीं पता यार। तुझे पता है यहाँ एक साल बाद ड्राइव एकदम खत्म है, कुछ नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। यू लुक दैट अनसर्टेनिटी जैसे बहुत ही बकवास चीज है, बट नाउ नाउ आई कैन श्योरली से इट्स अ ब्लेसिंग। तो तुम मुझे उस आदमी की सुनने से मना कर रहे हो क्योंकि ही डजंट इवन एग्जिस्ट, राइट? सिर्फ इसलिए ही नहीं बट मेजरली हाँ। तो अगर मैं तुम्हारी सुनूं तो तुम भी तो खत्म हो जाओगे, एंड तब भी मैं टेक्निकली एक ऐसे आदमी की बात सुन रहा हूँगा हु डजंट इवन एग्जिस्ट। मैं तुझे मेरी सुनने के लिए कह ही नहीं रहा, अपनी खुद की सुन, खुद की।